नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, स्वागत है हमारे YouTube चैनल दालचीनी नॉलेज में एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, क्या किया था आपका कि नॉलेज हम लोग कहां से एक्वायर कर सकते हैं, उसका अगला सेगमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, वो आप देख लीजिए क्या है, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रचनावाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइज? रचनावाद। ठीक है, रचनावाद। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है कि गाइस कि सर ये जो रचनावाद है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, ये थ्योरी कहां से आई? देखिए गाइस, पहली बात आप ध्यान से सुनिए, जो स्विट्जरलैंड के बहुत बड़े एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जीन पियाजे, उन्होंने क्या इस थ्योरी का निर्माण किया था। अब जो है आपके ना दो एक कॉन्सेप्ट, देखिए अभी मैं लास्ट में आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा कि भाई जीन पियाजे ने जो कंस्ट्रक्टिविज्म की जो थ्योरी है, रचनावाद की थ्योरी है, उसका निर्माण क्यों किया। तो गाइस मैं छोटी सी बच्चों आपको बात बताना चाहूंगा, पहले बहुत पुराने टाइम में जब आपके मम्मी पापा स्कूल्स में पढ़ा करते, तो उस टाइम स्कूल का जो एटमॉस्फेयर था, जो क्लासरूम था, जो आपके लर्नर थे, लर्नर यहां पर कौन होंगे, आपके स्टूडेंट्स, वो कैसा व्यवहार करते थे, क्या उनको सिखाया जाता था, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। बच्चा एक दूसरे से शर्माता था ना, टीचर उनसे जो है इंटरेक्शन कर पाता था ना, स्टूडेंट्स उनसे इंटरेक्शन कर पाता था। तो यहां पर जो रचनावाद की जो थ्योरी दी गई, वो यही समझ के दी गई जीन पियाजे के थ्रू, जो अपने जो है स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे, कि भैया हम जब आगे जो बच्चों को एजुकेशन का जो सिस्टम देंगे, यानी कि क्लासरूम के बारे में उनको बताएंगे, तो वहां पर बच्चों क्या कोलैबोरेटिंग होना चाहिए, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे आके बच्चा बहुत ही ज्यादा मल्टीपल नॉलेज। देखिए आजकल कितने ज्यादा बच्चे ऑफिसर्स बन रहे हैं, कितना ज्यादा हमारा देश तरक्की कर रहा है, और स्टूडेंट्स वास्तव में बहुत ज्यादा नॉलेज ले रहे हैं, तो उसका सारा का सारा जो श्रेय जो जाता है, वो हमारी एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी को जाता है। मतलब इसी के तहत क्या है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म बना था। पहले हम थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज एक बार उठा लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तो गाइस देखिए क्या है, एज वी नो दैट कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी of learning that roots of both philosophy and psychology। अब ये कहना कह रहा है, जो रचनावाद है आपका, जो constructivism है आपका, उसकी जो roots हैं, उसकी जो जड़ें हैं, वो दोनों की दोनों है, कौन सी, philosophy भी है and psychology, यानी कि दोनों के मिश्रण से ही क्या है आपका रचनावाद बना है। अगला जो points है, in this theory it is fact that, ये सच्चाई है कि learner actively construct their own knowledge एंड मीनिंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। यहां पर लर्नर कौन है गाइस? स्टूडेंट, जो आपकी क्लास का स्टूडेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लर्नर बोलते हैं यहां पर, लर्नर्स। ठीक है, वो एक्टिवली अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। जैसे आपको पता नहीं कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, बनाना, जैसे बोलते नहीं कि भाई आपके फादर क्या काम करते हैं, भाई कंस्ट्रक्शन का काम है, यानी कि चीजों को बनाते हैं, घर को बनाते हैं, मकानों को बनाते हैं। तो यहां भी वही बात है, जो आपने जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी खुद की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसी से क्या वो एक्सपीरियंस लेते हैं। तो गाइस आजकल इसका कॉन्सेप्ट क्यों चला हुआ, जैसे क्लास के अंदर मान लो कि आपकी क्लास चल रही है, ठीक है, उसमें अगर स्टूडेंट, मान लो कोई टीचर नहीं आता, जो स्कूल के जो बाकी जो टीचर्स हैं वहां पर आके क्या आर्ट आर्ट एंड क्राफ्ट का टीचर आ जाएगा, ड्राइंग का टीचर आ जाएगा, यानी बच्चों को खाली नहीं बैठने दिया जाता, वहां पर क्या है बच्चा डिफरेंट डिफरेंट चीजों से क्या है खुद की नॉलेज को बनाता है और उसी से क्या है उसका एक्सपीरियंस वो लेता है। तो रचनावाद का सारा सिद्धांत यही बोलता है। आगे क्या है कहना चाहती है बुक, वो एक बार देख लीजिए कि कंस्ट्रक्टिविज्म इज द बेसिकली थ्योरी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक स्टडी हाउ द पीपल लर्न। अब जो रचनावाद की जो सारा का सारे जो थ्योरी है गाइस, बेसिकली ये बेस्ड है कहां पर, ऑब्जर्वेशन पर, यानी कि हम लोग क्या देखते हैं। देखिए गाइस आपको पता है कि बच्चे हमारे कल फ्यूचर का निर्माण करते हैं, वो एक मटके की तरह है, जैसे हम उनको ढालना चाहेंगे। आपने देखा किसी कुम्हार को मटका बनाते हुए, वो कभी ऐसे कर देता है, कभी ऐसे कर देता है। तो हमारे जो लर्नर है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो क्या है हमारा भविष्य है। तो कहने का मतलब क्या है कि रचनावाद की जो थ्योरी है वो किस पर टिकी है, आपकी ऑब्जर्वेशन पर, और साइंटिफिक स्टडी हाउ द पीपल लर्न, यानी कि ये देखा जा रहा है टाइम टू टाइम कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, उनकी क्लासरूम में उनसे कैसे ग्रुप डिस्कशन कराया जाए, ताकि बच्चे फ्रीली होकर क्या है एक सोशलिज्म को भी क्रिएट करें और अपनी क्लास के अंदर या पूरे स्कूल के अंदर, पूरे समाज के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज आए। तो रचनावाद कहने का मतलब बेसिकली मोटा मोटा यही है गाइस। सारी चीजें बुक की मत पढ़ा करो, सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर घोड़े दौड़ाओ कि
कॉन्सेप्ट सर क्या बताना चाह रहे हैं, मैं किस बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आगे गाइज मैंने आपको बता दिया कि कंस्ट्रक्टिज्म क्या है और ये कैसे इसका निर्माण हुआ है, ठीक है गाइज। अब यहां पर इसकी विशेषताएं हैं, अब ये देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंस्ट्रक्टिज्म। देखिए गाइज हम जानते हैं कि ये टेक्निक्स हैं, जो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये चीजें क्या चलती हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या है, लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड। देखिए गाइज इसका क्या मतलब है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो लर्निंग है वो कंस्ट्रक्ट होती है, यानी कि रचनावाद के माध्यम से जो बच्चा सीखता है वो अपनी नॉलेज को स्वयं यानी कि सेल्फ क्या है कंस्ट्रक्ट करता है, यानी कि खुद ही क्या है नॉलेज लेता है, खुद ही उसका एक्सपेरिमेंट करता है, खुद ही उस चीज का ऑब्जर्वेशन करता है। इसीलिए क्या है इसकी विशेषता में क्यों डाला गया है कि लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड, यानी कि लर्निंग जो है वो स्वयं में क्या है एक कंस्ट्रक्टेड है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, जल्दी जल्दी कवर करेंगे कि लर्निंग इज एक्टिव। अब गाइज एक बात बताइए कि स्कूल के अंदर जब बच्चों से हम लोग ग्रुप डिस्कशन कराते हैं या विभिन्न प्रकार की नॉलेज देते हैं या उनका मेंटल लेवल बहुत अच्छा बनाते हैं या फिर तरह तरह की एजुकेशन उनको देते हैं, तो जो हमारी लर्निंग है यानी कि लर्निंग यहां पर ये समझिए कि बच्चों की जो लर्निंग है इस चीज से क्या है एक्टिवेट रहती है। आप पहले क्या होता है अगर स्कूल का मास्टर नहीं आया तो चलो अभी तख्ती उठा के स्कूल चले गए, बैग उठा के स्कूल चले गए। आजकल ऐसा नहीं है, अगर किसी सब्जेक्ट का मैथ का साइंस का जो भी लेक्चर है स्कूल के अंदर अगर वो नहीं आता तो स्कूल इतने एडवांस हो गए हैं कि बच्चों को किसी ना किसी एक्टिविटी में लगाया जाता है जहां से लर्निंग का क्या है एक्टिवेट यानी उनका निर्माण होता है, यानी कि उनकी उनकी लर्निंग है सीखने की जो पावर है वो क्या हो जाती है मेरे बच्चों एक्टिव हो जाती है। तो इसीलिए क्या है रचनावाद के अंदर जो सेकंड जो पॉइंट है वो डाला गया है, लर्निंग इज एक्टिव। समझ में आया गया होपफुली। थर्ड पॉइंट में हम लोग बात करेंगे लर्निंग इज रिफ्लेक्टिव। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्कूल के अंदर जो समाज के अंदर जो हम स्टूडेंट को सिखाते हैं या जो बच्चा खुद अपने आप में उस नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है उसको मेड करता है तो वो क्या कहीं ना कहीं क्या रिफ्लेक्ट होती होती है। गाइस पहले का बच्चा आप देखिए कि घर पे कोई मेहमान आ जाता था तो छुप जाते थे, पता ही नहीं होता था भी कौन है क्या है, ना कोई नमस्ते थी ना कोई राम राम थी, कुछ भी नहीं थी। आजकल के बच्चों के जो एटिकेट्स हैं जो शिष्टाचार हैं वो क्या है रिफ्लेक्ट होते हैं, आएंगे हाय अंकल जी गुड मॉर्निंग, कोई देसी सा बच्चा है नमस्ते अंकल जी, ठीक है कोई हमारे हरियाणा का बच्चा है राम राम ताऊ जी। तो ये इस प्रकार की जो लर्निंग है ना वो क्या है उसके अंदर रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट का मतलब एकदम निकती है कि यार बच्चा तो बड़ा अच्छा है, दूसरे के पेरेंट्स को माँ बाप को बड़ी जलन हो जाती है हमारा बच्चा तो बड़ा सुसा सा है और ये बच्चा तो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए क्या है रचनावाद का निर्माण जो किया गया है, तो थर्ड पॉइंट इसकी विशेषता में क्यों डाला गया है कि लर्निंग इज रिफ्लेक्टिव, यानी कि जो बच्चों को बच्चा सीखता है स्वयं में या हम उसको सिखाते हैं तो वहां पर वो क्या है एक रिफ्लेक्ट होती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला है गाइस कोलैबोरेटिंग लर्निंग। अब कोलैबोरेटिंग लर्निंग का मतलब क्या है कि स्कूल के अंदर जो बच्चा ग्रुप में बैठ के पढ़ता है या उसको चीजें सिखाई जाती हैं, देखो आजकल क्या है कि बहुत सारे बच्चे चार चार पांच पांच ग्रुप में बैठ जाते हैं तो वहां पर किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं तो ठीक है, तो वो क्या है कोलैबोरेटिंग लर्निंग है, यानी कि कोलैबोरेशन में दो बच्चों का ग्रुप है पांच बच्चों का ग्रुप है। आजकल होता नहीं कि भाई हम पांच बच्चे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे कोई कंप्यूटर का प्रोजेक्ट है हिंदी का प्रोजेक्ट है इंग्लिश का प्रोजेक्ट है, तो इसी का मतलब क्या है ये मॉडर्न लैंग्वेज में कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है जो एक समूह को क्या निर्माण करती है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस लर्निंग इज इन्वॉल्विंग। अब यहां पर जो लर्निंग का मतलब क्या है जो बच्चे सीखते हैं वो कहीं ना कहीं क्या इसमें इन्वॉल्व होती है। अब बच्चा स्कूल के अंदर टीचर जो उसको सिखाया जाएगा जो एटमॉस्फेयर में जो बच्चा सीखेगा तो वहां के अंदर जो लर्निंग है वो इन्वॉल्व होगी कि नहीं होगी। तो कहने का मतलब गाइज ये है ये सारी की सारी विशेषता क्या है रचनावाद की है। काफी बच्चे बोलते हैं सर आप हिंदी में भी पढ़ा दिया करो, भैया मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को हिंदी में भी लेक्चर प्रोवाइड में करूं, आगे आगे हम लोग कोशिश करेंगे। तो गाइज इसी का मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म है जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं। तो गाइज मोटे मोटे एक दो तीन चार और ये पांच आपके पॉइंट्स हैं। अब गाइज लास्ट जो एक चीज है मैं आपको बता देता हूं, अब जो बच्चे एचटेट का या सीटेट का जो एग्जाम देंगे दो चीज होती है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि भैया सोशल रचनावाद क्या है, सोशल रचनावाद सोशल कंस्ट्रक्टिज्म क्या क्या है, ज्ञाता किसको माना जाता है ली वाई गॉटसे को माना जाता है, किसको माना जाता है ली वाई गॉटसे जो रशियन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। और उसके बाद अगर ये आ जाए कि रचनावाद का सिद्धांत किसने दिया था, कंस्ट्रक्टिज्म का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, वो दिया था मेरे बच्चे जीन पियाजे ने। तो अक्सर एग्जामिनर इस प्रकार के सवाल आपसे पूछ लेता है, तो यहां पर अपना एक नंबर को पक्का करके चलना कि सोशल रचनावाद का निर्माण किसने किया,
लीवाई गॉडसे ने, और जो कंस्ट्रक्टिविज्म का जो रचनावाद का सिद्धांत वो किसने दिया, वो दिया स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट, बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट, जो मेरी भी बहुत फेवरेट है, जीन प्याजे। तो गाइस आज का टॉपिक यही समाप्त होता है, मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक में, टिल देन बाय, टेक केयर, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट माय चैनल सो दैट हम लोग अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएं, थैंक यू सो मच।